आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. फाइंड डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू. ऑल ऑफ द फर्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. लेट वाई इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू. इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे. दिस इज द ओरिजिन. एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आएगी. एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू टू आएगी. तो यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे वन एंड टू. और सिंपल वे में ग्राफ को ट्रेस करना है तो सबसे पहले हम एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो. देयर फोर एक्स इक्वल टू वन. एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. देयर फोर एक्स इक्वल टू टू. सिंपल वे में ग्राफ को ड्रा करना है. टू में से वन को माइनस करिए. सबसे पहले वाई इक्वल टू वन लाइन ट्रेस कर दीजिए. सबसे पहले y इक्वल टू वन लाइन ट्रेस कर दीजिए. कैसे ट्रेस करना है, टू में से माई वन को माइनस कर दीजिए सिंपल वे. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप राइट में एक लाइन ट्रेस कर दीजिए, ये लाइन गई, और लेफ्ट में एक लाइन ट्रेस कर दीजिए इस तरह से. अब इस लाइन का इक्वेशन यदि हमें पता, इस लाइन के इक्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे कुछ नहीं करना. सबसे पहले आप मॉडुलस हटा दीजिए. एक्स माइनस वन का मॉडुलस एक्स माइनस टू को हटा दीजिए. दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू. कितना आ गया, टू एक्स माइनस थ्री आ गया. और ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, इसमें एक्स फर्स्ट में ग्रेटर दैन इक्वल टू टू होगा. और इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, लेफ्ट में जो लाइन है उसका इक्वेशन चाहिए. इसमें माइनस लगा देंगे तो वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री. इसमें माइनस लगा दीजिए राइट में तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री. इसकी कंडीशन क्या होगी कि इस लाइन के लिए क्या कंडीशन होगी, एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वन. अब हमारे पास क्या होगा कि हम फंक्शन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन ब्रेक कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाई इक्वल टू, देखिएगा पहली कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू वन और क्या गया, वैल्यू कितना आया, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री. दूसरी कंडीशन क्या होगी, वन टू टू होगा क्योंकि ग्राफ दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू टू. और वाई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी. और थर्ड कंडीशन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू और वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, टू एक्स माइनस थ्री. और ये टू एक्स माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू एट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू वन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल. देयरफॉर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल. फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, यू नो दैट. देयरफॉर किस कंडीशन पे हम फंक्शन का डी डी एक्स निकाल सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन एक्स मस्ट बी लेस देन वन. एक्स लेस देन मस्ट बी लेस देन वन. क्या वैल्यू है वाई की, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री. इसका डी डी एक्स आप करेंगे डी वाई डी एक्स तो माइनस टू आ गया. तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू आ गया. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन हम क्या लेंगे, एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन टू, क्योंकि वन और टू पर तो डिफरेंशियबल होगा नहीं. तो क्या लाइन होगी, वाई इक्वल टू क्या लाइन है, वन. देयरफॉर डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे वन का तो क्या आएगा, जीरो. थर्ड कंडीशन क्या होगी, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन टू. इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री. इसका आप डी वाई डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू टू दे देगा.